वेलकम गाइस, स्वागत है आज की वीडियो में, जिसमें आपके लिए मैं एक बहुत ही अमेजिंग अपडेट लेकर के आया हूँ। ऑलरेडी आपने सुना होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, पीपी ग्रीन सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका NH1 पे रहने वाला है। NH1 से सिर्फ और सिर्फ एक कदम की दूरी पर ये हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम आपके लिए दीनदयाल जन आवास योजना वाले प्लॉट्स लेकर के आए हैं। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको मैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दूंगा। इस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, कितना एप्रिसिएशन आपको हो सकता है एंड बेस्ट प्राइस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। एंड तक बने रहिए। तो गाइज, ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा, मैंने आपको बताया, नेशनल हाईवे 1 NH44, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली टू चंडीगढ़ वाले हाईवे पे ये प्रोजेक्ट हमारा रहने वाला है। एंड जुरासिक पार्क का नाम तो आपने सुना ही होगा और आप गए भी होंगे अपनी फैमिली के साथ कई बार वहाँ पे। सो जुरासिक पार्क से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पर ये हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। एंड इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में साइजेस जो रहने वाले 120 से लेके 180 गज के प्लॉट्स रहने वाले हैं हमारे दीनदयाल जन आवास योजना वाले ये प्लॉट्स हैं। सो दीनदयाल जन आवास योजना जो है, आपको गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसमें 180 गज से कम के जो भी प्लॉट्स हैं उनकी आप पर फ्लोर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। स्टिल प्लस थर्ड का अभी कॉन्सेप्ट है कि आप 3 फ्लोर तक यहाँ पे बना के इजीली पर फ्लोर सेल आउट कर सकते हैं। तो ये दीनदयाल जन आवास योजना वाले लास्ट प्लॉटिंग से रहने वाली है। क्यों इतनी सोनीपत को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आपने गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट देखी होगी, नोएडा के अंदर डेवलपमेंट देखी होगी, एंड द लास्ट वन की NH1 पे जो है सोनीपत के अंदर डेवलपमेंट जो है कनेक्टिविटी वाइज इम्प्रूव की जा रही है। एंड इसके अलावा गुड़गांव के अंदर जो डेवलपमेंट आई है, जो बिल्डर्स ने वहाँ पे एंट्री की है, उसका मेन रीज़न यही था कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आई है। IT एंड MNC कंपनीज गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर आ करके अपना काम कर रही हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, देन उसके बाद वहाँ पे रेजिडेंशियल लोग वहाँ पे रहने के लिए आए। तो सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो है सोनीपत में आ रहा है, सोनीपत को इम्प्रूव किया जा रहा है। एंड सोनीपत के अंदर मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आ रही हैं, IMT खरखोदा एंड मारुति की इंडस्ट्री आ रही है, इसके अलावा हीरो मोटर कॉप का प्लांट आ रहा है, एंड इसके अलावा वंदे भारत कोचेस की फैक्ट्री यहाँ पे लग रही है सोनीपत के अंदर, एंड रैपिड मेट्रो जो कि आपकी सरायकाले खां से पानीपत की तरफ जाने वाली है उसकी कनेक्टिविटी भी सोनीपत के अंदर रहेगी। और इसके अलावा दिल्ली मेट्रो जो है रिठाला वाली, वो एक्सटेंड करके यहाँ पे बनाई जा रही है सोनीपत के अंदर। तो कनेक्टिविटी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है सोनीपत को। एंड सबसे मेन जो चीज़ है, जो आपका पंजाब का क्राउड है वो दिल्ली की तरफ आता है, अब जो है UER2 की कनेक्टिविटी कनेक्ट की जा रही है, जो कि आपकी चंडीगढ़ वाले हाईवे से रहने वाली है और डायरेक्टली आपको IGI एयरपोर्ट पे कनेक्ट करती है। वो भी डिस्टेंस जो है आपका नॉमिनल रहेगा, 25 से 30 मिनट का डिस्टेंस रहेगा वो आपका। तो कनेक्टिविटी वाइज भी सोनीपत को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है। और सबसे मेन जो चीज़ है, यहाँ पे कॉस्टिंग आपकी जो है अभी जो है इनिशियल स्टेज पे काफ़ी नॉमिनल रहने वाली है सोनीपत के अंदर। तो यही रीज़न है कि सोनीपत के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आज से अगर हम बात करें 6-7 साल पहले की, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या ही था, कुछ भी नहीं था, और वहाँ पे डेवलपर ने आना शुरू किया और वहाँ पे आज जो रेट है वो आपके बहुत एप्रिसिएटेड रेट हो गए। वहाँ पे अगर मैं प्लॉट्स की बात करूँ तो वहाँ पे 1.5 से 2 लाख का रेट है पर स्क्वायर यार्ड का प्लॉट्स का, जो कि आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे। सो यहाँ पे अभी जो रेट स्टार्ट हुए वो काफ़ी बिल्डर्स के डिफरेंट रेट है, जो कि आपके 1 लाख पर स्क्वायर यार्ड के अंडर में ही आते हैं। तो ये रीज़न है कि आपको सोनीपत में इन्वेस्ट करना चाहिए। सोनीपत के अंदर अभी जो है काफ़ी सारे डेवलपर आ चुके हैं सोनीपत पानीपत के अंदर। पानीपत में आपका M3MS, सोनीपत में आपका LDGO, गोदरेज, RUF एंड हीरो होम्स, मनसा और PP ग्रीन। तो ऐसे ही बहुत सारे डेवलपर जो हैं सोनीपत के अंदर आ चुके हैं, और DLF जैसा ब्रांड जो डेवलपर है वो भी अपने लिए लैंड बैंक सर्च कर रहे हैं। जो मैंने आपको ये प्लॉट्स बताए हैं PP ग्रीन सिटी वाले, इसमें जो प्राइसिंग रहने वाली है वो कंपनी की प्राइसिंग आपकी
ए और बी ब्लॉक की 71,000 रुपये गज की रहने वाली है, सी से लेके एफ ब्लॉक की जो प्राइसिंग है आपकी वो आपकी 61,000 रुपये की रहने वाली है। सो हमने जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर अंडरराइटिंग की है हमारी कंपनी अतुलियम ग्रुप ने, एंड हमारे पास मोस्टली प्लॉट्स की यूनिट्स हैं। सो हम आपको एक बेस्ट प्राइस में एक बेस्ट डील देते, इस चीज़ की हम आपको श्योरिटी देते कि मार्केट से आपको बेस्ट रेट सिर्फ और सिर्फ अतुलियम ग्रुप दे सकता है। और इसके अलावा पेमेंट प्लान जो है आपको फ्लैक्सीबल मिल जाता है, इसकी पोजीशन जो है 1.5 साल के अंदर इसको बिल्डर जो है हैंडओवर कर देगा। सो पोजीशन जो पेमेंट टाइम है आपका 10% आपका बुकिंग अमाउंट है, देन 20% आपको रेस्ट 30 डेज़ में देना है, उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट 5-5% की बन जाती है 14 मंथ्स की। सो काफ़ी अच्छा आपको पेमेंट प्लान यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसके अलावा अगर आप लोन भी लेना चाहते हैं तो लोन भी अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो देरी ना करते हुए जल्दी से जल्दी मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप करें एंड अपना प्लॉट बुक करें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ।